नमस्कार दोस्तों, एमसी टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आप भी अगर मंत्रा का आरडी सर्विस इंस्टॉल करने के दौरान इस तरह का आपका मैसेज शो हो रहा है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, तो आपका जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखिए। तो मेरा जो ये जो प्रॉब्लम होता है कैसे किस तरह का, मैं वो भी पहले आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा मंत्रा का आरडी सर्विस है, ये मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, तो इसको मैं यस कर देता हूँ। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं, दिस प्रोग्राम रिक्वायर विंडोज सर्वर सर्विस पैक 1 और लेटर, इस तरह का मैसेज आपका भी कंप्यूटर में शो हो रहा है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए तो आपका प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आपको स्टार्ट में जाना है, यहाँ जाके आपको लिखना है REGEDIT, इस तरह का लिखना है REGEDIT। तो ऊपर इस तरह का एक लिखा होके आ जाएगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा। अब मैं सबको पहले हिडन कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आपको इस तरह का होके रहेगा। तो आपको जो पहले का जो थर्ड नंबर में ऑप्शन है HKEY लोकल मशीन, इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्ट में जो सिस्टम का ऑप्शन है इसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरह का एक लिखा होके आएगा। उसके बाद आपको नीचे की ओर जाना है। नहीं, पहले वाला जो ऑप्शन है कंट्रोल सेट 001, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे इस तरह का एक पेज आएगा, जब उसके ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद नीचे की ओर जाना है। और यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे जो विंडोज लिखा हुआ है उसके ऊपर आपको डबल क्लिक कर देना है। तब इस तरह का एक यहाँ पे लिखा हो के आएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो CSD वर्सन, यहाँ पे REGEDWORD, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस तरह का एक मैसेज आएगा, आपको यहाँ पे 0 लिखा होके आएगा, आपको यहाँ पे 100 लिखना है। 100 लिख के आपको ओके पे क्लिक कर देना है। आप कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको रिस्टार्ट कर लेना है। रिस्टार्ट करने के बाद मैं चेक करके दिखा देता हूँ अब इंस्टॉल होगा कि नहीं। वही मैं मंत्रा आरडी सर्विस आपको देख पा रहे हो आप, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यस में क्लिक कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं पहले वाला जो मैसेज था वह अभी शो नहीं कर रहा है, अब इंस्टॉल होने का प्रोसेस आ गया है। अभी मैं नेक्स्ट करूँगा, इंस्टॉल कर लूँगा। आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा है प्लीज़ तो एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी पहला वाला हो गया, मैं दूसरे वाला भी कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं इंस्टॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो आप भी इस तरह से आपके मशीन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपका मंत्रा आरडी सर्विस कहाँ से नया सॉफ्टवेयर मिलेगा आपको नहीं पता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
आपको मंत्रा आईडी सर्विस इस तरह का एक लिखना है, और पहले वाला जो ऑप्शन आएगा ड्राइवर एंड डॉक्यूमेंट मंत्रा सॉफ्टेक, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। और यहाँ पे एक कैप्चर आएगा, उसको लिखना है और सबमिट में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे न्यू होके एक आपका जो ये मंत्रा MF100RD सर्विस, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड करके। और यहाँ पे एक आपका देख पा रहे हो विंडोज़ 8, 7 और 10, जो भी आपका विंडोज़ है आप इसको आप डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर लीजिए। और एक है आपको यहाँ पे डाउनलोड मंत्रा MIS100V2 RD सर्विस 104, इसको भी आपको डाउनलोड करके इन तीनों को आपको इंस्टॉल कर लेना है, तो आपका जो मंत्रा का डिवाइस है वो काम करने लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर कोई भी अब भी दिक्कत आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।